दोस्तों दोस्ती मोटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दोस्ती मोटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं, गाड़ी में प्रॉब्लम है जो स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये बाइक की गाड़ी है, आनंद भाई है इनका नाम, तो इनका काम करने वाले हम लोग। तभी हम आपको दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है गाड़ी के अंदर और क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम निकलेगा। तो चलिए दोस्तों, तो हम इनसे आनंद भाई से पूछते हैं क्या प्रॉब्लम आया था गाड़ी के अंदर। आनंद भाई, क्या प्रॉब्लम आया था गाड़ी में? गाड़ी रात को स्टार्ट नहीं हो रही थी। अच्छा, तो मुश्ताक भाई को पता है कि स्टार्ट नहीं हो रही है, तो सुबह यहाँ पे लाया अभी। हाँ, तो अभी हम मुश्ताक भाई बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। तो पहले चलते चलते हुआ है या खड़ी गाड़ी में हुआ था? नहीं, अपने आप हो गया। ड्राइवर ने बोला तेल लगा रहा, तो तेल लग नहीं रहा है चालू गाड़ी में। अच्छा, बंद पड़ी थी उसके बाद हुआ। तो दोस्तों आनंद भाई की गाड़ी का हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, हम आपको दिखाते हैं सेल मार के। तो चलिए हम सेल मारते हैं, गुदस्तर इसको सेल मारेगा। मार सेल। देखिए दोस्तों, हम लोग ने ये खोल दिए, तो इसमें कंप्रेसर वीक हो गया है। तो हम लोग दिखा देंगे आपको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। आगे का हम लोग टाइमिंग बेल वगैरह सब खोलते हैं। वाटर पम्प गया है इसका, हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, इसकी हालत कितनी ख़राब हो गई है। बेल्ट की कवर खोलने के बाद बेल्ट ऐसा निकला है। तो ये दोस्तों, ये वाटर पम्प भी एकदम फुल जाम हो गया है, देख सकते हो आप। ये जाम होने की वजह से इसका बेल्ट भी टूट गया था, बेल्ट भी टूट गया इसका। देखिए कितना ख़राब हालत हो गई है बेल्ट की। बेल्ट निकालते हैं, देख सकते हो दोस्तों। अभी हम इसको ये वाटर पम्प डालेंगे और बेल्ट डाल के चेक करेंगे, अगर आ जाए तो ठीक, आनंद भाई का नसीब, नहीं तो फिर इसका हम हेड खोलेंगे। उनका नसीब आनंद भाई का अगर वाटर पम्प डालने से और बेल्ट डालने से आ गया तो अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे काम करते हैं, वाटर पम्प खोलते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो आप कितना जाम हो गया है, वाटर पम्प जगह से हिल ही नहीं रहा है। ये है वाटर पम्प की कारस्तानी, पूरा जाम हो गया है। तो हम लोग दूसरा वाटर पम्प डालते हैं और बेल्ट डालते हैं। चलिए दोस्तों, वाटर पम्प, ये नया वाटर पम्प और बेल्ट भी डालते हैं। देखिए दोस्तों, ये वाटर पम्प डालेंगे नया ओरिजिनल कंपनी का। ये है नए पार्ट्स का और ये गेट्स का है ओरिजिनल, जो कंपनी फिटिंग आता है गेट्स कंपनी का। बेल्ट टाइमिंग बेल्ट है, तो हम लोग ये दोनों को फिटिंग करेंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे क्या रिजल्ट आता है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं हम लोग उसको फिटिंग। तो देखिए दोस्तों, हम लोग ने पूरा कंप्लीट कर दिया, अब सेल मारने वाले हैं उसको। तो चलिए आनंद भाई सेल मारिए। ये आनंद भाई है, इनका नसीब देखते हैं हम लोग। चलिए आनंद भाई सेल मारिए। ओहो, आनंद भाई का नसीब जग गया भाई। देखो अभी, देखो कितने मुस्कुराहट है चेहरे पे, खुश हो गए हो। हमने इनको बोल दिया था भाई आपका चलेगा तो नसीब, नहीं तो फिर बहुत आपको हेड खोलना पड़ेगा। तो इनका मुँह एकदम उतर गया था। अभी देखिए कितनी मुस्कुराहट है चेहरे पे। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आनंद भाई की गाड़ी चालू हो चुकी है, तो हम आनंद भाई से पूछते हैं उनको कैसा लग रहा है। तो आनंद भाई, आपकी गाड़ी चालू हो गई है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और मुश्ताक भाई ने जो भी किया सही किया, मेरा पैसा बचाया। दूसरी जगह जाता तो हेड खुलवा लेता, ये सब हो जाता। मुश्ताक भाई ने मेरा बहुत ही, मतलब पहले से हम 3-4 साल से मैं यहीं पर काम करवाता हूँ, 3-1 साल हो गए मैंने गाड़ी लिया उस टाइम से। मुश्ताक भाई मेरे को हर चीज़ में राहत दे देते हैं, हर कोई चीज़। तो देख सकते हो आप दोस्तों, कस्टमर ही सामने से हमको बोलता है कि आप पैसा बचाते हो। भाई हमारा काम ही वैसा ही है, किसी को हम लूटते नहीं है। जो प्रॉब्लम है हम वही बताते हैं, आनंद भाई को भी पता है। तो अगर आपको करवाना है तो आप भी आ सकते हो, हमारा नीचे एड्रेस दिया हुआ है सूरत में। तो चलिए दोस्तों, आप भी इसी तरह खुश होंगे अगर हमारे गैरेज पे आओगे तो
तब तक के लिए हम दूसरी वीडियो में मिलते हैं।